तो दोस्तों VKPL ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट सूरत की जो कि फाइनल अपडेट हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों काफ़ी लाजवाब टूर्नामेंट हमें देखने मिली। तो दोस्तों VKPL ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट में दोस्तों दो टीम फाइनल में प्रवेश की थी। एक टीम थी रेड डिविल्स रायगढ़ की टीम, तो दूसरी तरफ थी बालाजी क्लब राजकोट। दोस्तों काफ़ी दोनों लाजवाब टीम थी दोस्तों, और बेहतरीन प्लेयर उन टीम में शामिल थे। तो दोस्तों रनर अप टीम बनी है VKPL की बालाजी क्लब राजकोट। दोस्तों इस टीम में फरदीन काजी, सुमित डेगले, श्रेयस कदम ऐसे नामचीन प्लेयर हमें दिखाई दिए थे दोस्तों। पर दोस्तों चैंपियन टीम बनी है रेड डिवल्स रायगढ़ की टीम। दोस्तों इस टीम में बंटी पटेल, थॉमस डाइस, अजीत मोहिते ऐसे काफ़ी लाजवाब प्लेयर हमें दिखाई दिए। तो दोस्तों इस टूर्नामेंट में बेस्ट फील्डर का अवार्ड मिला है बंटी पटेल को। दोस्तों काफ़ी लाजवाब बंटी पटेल ने फील्डिंग की है इस पूरे VKPL में दोस्तों, लाजवाब फील्डर। तो दोस्तों बेस्ट बैटर का अवार्ड मिला है रोहित चंदीगढ़िया को। दोस्तों 5 इनिंग में 80 रन बनाए रोहित चंदीगढ़िया ने, और VKPL ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट में बेस्ट बैटर का अवार्ड इनको दिया गया है। दोस्तों काफ़ी लाजवाब बैटिंग हमें रोहित के बल्ले से दिखाई दी। तो दोस्तों मैन ऑफ द सीरीज बने हैं इमरोज खान। दोस्तों का लाजवाब गेंदबाजी हमें इमरोज खान की दिखाई दी। दोस्तों लाजवाब गेंदबाजी थी इमरोज खान की। तो इमरोज खान बने हैं VKPL सीजन 1 के मैन ऑफ द सीरीज। तो दोस्तों आपको इमरोज खान की बॉलिंग कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों एक बेहतरीन टूर्नामेंट हमें देखने मिली है टेनिस क्रिकेट की शुरुआत में ही दोस्तों, VKPL ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपकी टेनिस क्रिकेट की फेवरेट टीम कौन सी है और फेवरेट प्लेयर कौन सा है ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।